मॉर्निंग बच्चों, हमने अब तक कक्षा नौवीं का पढ़ रहे हैं, हम पांचवा लेसन पढ़ रहे थे। तो आज
भूल जाता है। तो अगर एग्जाम में एक और तीसरा प्रकार है समपरासरण दाबी, तीसरा इसका प्रकार क्या है समपरासरण दाबी। समपरासरण दाबी का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर की और कोशिका के बाहर की जो सांद्रता है वो समान है। क्या होगा? सांद्रता समान। तो सांद्रता समान होने से ना पानी अंदर आएगा ना पानी बाहर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कोशिका का आकार जैसा है वैसा रहेगा। देखो परासरण वाला बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, परासरण के प्रकार बताओ। तो आप कहोगे परासरण के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार। उसमें पहला प्रकार है अति परासरण दाबी। अति परासरण दाबी में, अति परासरण दाबी में क्या होता है, जो कोशिका के अंदर की सांद्रता, सांद्रता का मतलब पानी की मात्रा, कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसकी वजह से कोशिका सिकुड़ जाती है, सूख जाती है, उनमें से क्या निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। पानी क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। मैं कल आपको उसके बाद में थोड़ी देर के बाद इसके अलग अलग उदाहरण के द्वारा बताऊंगी। ठीक उसका ऑपोजिट क्या है, अल्प परासरण दाबी। अब अल्प परासरण दाबी का मैं उल्टा मतलब कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है अभी वो कम हो जाएगी और बाहर की सांद्रता अधिक। अब बाहर की सांद्रता अधिक है तो कोशिका क्या कर लेगी, बाहर की सांद्रता में से पानी को सोख लेगी, इसकी वजह से वो फूल जाएगी। अब इसका तीसरा प्रकार है समपरासरण दाबी। समपरासरण दाबी में जो कोशिका के अंदर का जो सांद्रता है और बाहर का जो सांद्रता है वो समान है, इसके लिए उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसके बाद मैं आपको दो एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी, तब तक आप देखते रहिए।